एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस एक रबर बैंड की मदद से ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल साड़ी के लिए। तो अगर आपके बाल भी इस तरीके से छोटे हैं, पतले हैं और आप सिर्फ कम प्रोडक्ट में आप अपने बालों का अच्छा सा लुक बनाना चाहते हो, अच्छा सा बन बनाना चाहते हो, तो सिर्फ इस वाले एक रबर बैंड से मैं ब्यूटीफुल बन बनाने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इस एक रबर बैंड की मदद से कैसे हम लोग बनाएंगे खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल। वो भी साड़ी के लिए, वेडिंग पार्टी है तो भी आप ये वाला बन ट्राई कर सकते हो। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ्रंट से बालों को इस तरीके से लेना है एंड सेंटर पार्टीशन निकाल लेनी है। साड़ी पहन दे तो सेंटर पार्टीशन अच्छी लगेगी। ये टू ईयर पार्टीशन कर देना है। ओके, अब आपको अपने क्राउन एरिया के हेयर को इस तरीके से पकड़ना है। दोनों साइड से ऐसे पकड़ लेना है और फॉर्म कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद आपको लेना है पतला वाला रबर बैंड और यहाँ पे लगा देना है। ओके, तो इस तरीके से रबड़ को लगा दिया है। हल्का हल्का खींच के बालों को थोड़ा वैसे से लुक दे देंगे। ओके, अब जो हमने फ्रंट से ये हेयर छोड़े हुए थे इनको अच्छे से काउंट करेंगे और जहाँ पे हमने रबर बैंड लगाया है वहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, दूसरे साइड से भी ऐसे ही पकड़ेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। और एक रबर बैंड और लेंगे। और लेंगे ये वाला रबर बैंड लगा दिया। रबर बैंड को अब बालों को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। ट्विस्टिंग करना स्टार्ट करिए। ट्विस्टिंग करके इसको साथ के साथ खींचेंगे जिससे कि जो बालों का वॉल्यूम है वो अच्छे से दिखाई दे और इसको सिंपली रबर बैंड के ऊपर लेके जाएंगे और इस तरीके से करके यू पिन से सिक्योर कर देंगे। एक यू पिन आप जस्ट ऊपर लगाओगे ताकि ये अच्छे से होल हो जाए सारे बार और एक यू पिन आप एंड पार्ट पे लगाओगे और एक यू पिन आप इस साइड पे लगाओगे जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, अगेन सारे बालों को ट्विस्ट करेंगे, साथ के साथ खींचते जाएंगे। यू पी एस सिक्योर करेंगे दोबारा
गवर्नमेंट को हाइड कर सकते हो। काफ़ी प्यारा सा बन है, इसको आप गंजे के साथ डेकोरेट कर सकते हो, और भी खूबसूरत लुक आ जाएगा। और अच्छे से लुकिंग है लगा देंगे, जिससे कि आपका रबर बैंड हाइड हो जाए। आप बोनस बन भी ऐड कर सकते हो। जो हेयर आपके दिख रहे हैं उनको भी अच्छे से सेट कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट हमारा जो बन है वो रेडी हो चुका है, इसको आप गजरे के साथ हेयर फ्रीज के साथ सिक्योर कर सकते हो। आई होप कि आपको पसंद आया हो ये, तो आई होप कि आपको ये बन हेयर स्टाइल पसंद आया हो, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जो भी साड़ी डालते हैं वेडिंग सीजन में उनको समझ में नहीं आता है हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो ये वाला हेयर स्टाइल जरूर ट्राई करें। इसके साथ आप बड़ी बड़ी ईयर रिंग्स वगैरह ट्राई कर सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वाला हेयर स्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो इसको ट्राई करें एंड साड़ी के साथ बना सके। बहुत इजी है, सेल्फ है, तो आपको पार्लर जाके पैसे देने की भी जरूरत नहीं, आप खुद से घर पे बना सकते हो। और सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से, अगर आपके पास मोटा वाला रबर बैंड है, डोनेट बन नहीं भी है, तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हो, अपने पतले हल्के बालों में खूबसूरत सा बन बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और ये हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।